इसके बाद चारों नायक आएंगे और अपना एक स्पीच प्रस्तुत करेंगे। चारों नायक एम प्रेजेंट ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर स्पीच। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संसार के सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियाँ हैं जो आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके बारे में बाबा साहेब के पास जानकारी ना हो। न्यूयॉर्क में 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे और लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहेब ने इतनी पुस्तकें खरीद ली कि वो 32 संदूकों में भी नहीं आई। यही नहीं, लंदन की लाइब्रेरी में 1000 दिन में 16000 पुस्तकें पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बाबा साहेब के पास है। जब भारतीय में सबसे संसार के विद्वान का नाम लिया जाता है तो भारतीय में से एक नाम आता है, वो नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि संयुक्त राज्य संघ 14 अप्रैल अर्थात रतन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। थैंक यू। मैं आपके सामने एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहती हूँ। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम क्योंकि हमारी ज़िंदगी बाबा साहेब ने लिखी। मैं आपके सामने भंती जी के लिए 2 लाइन पेश करना चाहती हूँ, सिर्फ 2 लाइन। जब से बिहार में हम बंते जी आए तब से हमारे बिहार की रौनक ही बढ़ गई है, इसलिए थैंक यू बंते जी।